नमस्ते, मैं लुई सेबेस्टियन कास्त्रो हूँ और भारत के 8वें विश्व सिनेमा त्यौहार को नमस्कार भेजता हूँ। इस फिल्म को बनाने का प्रेरणा संदेश भेजना था कि कला के माध्यम से वह महिला खोला जा सकता है, चीज़मो के रास्ते और उन उपकरणों का उपयोग करना जिससे पता चले कि हमेशा एक रास्ता होता है। कहानी 3 पीढ़ियों की महिलाओं की है। ये शुरू से ही एक ख़राब तरीके से बताई गई कहानी है और मैं इसमें गहराई से जाना चाहता हूँ। रुकावटें थी कास्टिंग और एक फिल्म बनाना, जहाँ आप कई युगों में काम करते हैं और आप इसे खुद कर रहे हैं बिना पैसे के, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। इस प्रकार की एक मध्यम लंबाई की फिल्म बनाना, मानव और सामग्री संसाधनों का प्रबंधन ये मेरे द्वारा बनाया गया था, मुझे करना पड़ा। और वे याद कर रहे थे थोड़ो ट्रॉप्स एंड निर्माण और जगहें उधार लेना इसे रिकॉर्ड करने और खुद से बनाने के लिए। इसमें मुझे बहुत समय लगा पर परिणाम असाधारण रहा। एक फिल्म बनाने की चुनौतियाँ इस परिमाण का नहीं ही, ये वह काम का स्तर है जहाँ आपके पास शनिवार या रविवार नहीं होता, सोमवार से रविवार तक 24 घंटे, जहाँ आपको सभी विवरणों को संपन्न करना होता है, रिहर्सल, निर्देशन, ध्वनि करना, फोटोग्राफी करना, उत्पादन करना। और ये मानो एक पिरामिड बना रहे हैं। इस तरह की सबसे बड़ी चुनौती समय की मात्रा थी। मुझे लगभग 4 वर्ष लगे एक ऐतिहासिक लघु फिल्म बनाने में जहाँ मैं एक संदेश भेजना चाहता था। अगर फिल्म का परिणाम मेरी कल्पना के मुताबिक पूरी तरह अलग है, क्योंकि जब आप निर्देशन कर रहे होते हैं वह निर्माण भी कर रही है, आपको कई चीज़ें छूट जाती हैं। और जब आपको एक तकनीकी टीम की आवश्यकता होती है जो आपका समर्थन करे, तो तुम वैसा सब कुछ नहीं कर पाते जैसा तुमने सोचा था। सबसे अधिक बाधा के तकनीकी, लेकिन कोशिश अच्छा होने की कोशिश की। इस फिल्म का लक्षित दर्शक है सभी पिता माताएं, बेटे बेटियां जिनके पास हो कोई कलात्मक पहल जो आगे बढ़ना चाहती है, उन्हें पता चले कि हमेशा एक उपकरण होता है, अपनी आंतरिक आवाज़ का पालन करें और आगे बढ़ें। और की पुरुष सत्तामकता यह एक गलती है, यह 20वीं 21वीं सदी की बीमारी है और इससे लड़ा जा सकता है। मेरा शीशा खुला है। फेस्टिवल यह पुरस्कारों के लिए खुला है, इसे एक बड़ा निर्माता खरीदना चाहता है और इसे वास्तविकता बनाना चाहता है। मैं दुनिया से बात करता हूँ ताकि इसे खरीदें और इसे एक कहानी बनाएं। बड़ा एक लंबी फिल्म, दर्शकों को यह फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि वे खुद को इसमें पाएंगे। कई महिलाएं खुद को इसमें पाएंगी कि कभी कभी वे समाज और अपने ही द्वारा दबाई या बांधी जाती हैं। पितृसत्ता और कला के माध्यम से जो मनुष्य के रूप में स्वतंत्र होने के लिए मेरी वेबसाइट expressionmovie.com है, वहाँ आप पुरस्कार पिछले काम देख सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक बड़ा अभिवादन भेजता हूँ। भारत के विश्व सिनेमा फेस्टिवल के 8वें संस्करण में मेरे लिए वहाँ होना एक बड़ा सम्मान है। मैं वाकई में इसकी बहुत सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।